संपूर्ण देश अयोध्येचा अभिषेक साजरा करीत असतानाच दुसरीकडे नागपूर शहरातील मोमिनपुरा परिसरात अचानक वातावरण बिघडले। यात मात्र नागपूर पोलिसांनी तात्काळ परिस्थितीवर नियंत्रण आणले। अयोध्येतील रामलल्ला यांच्या देशभरात जल्लोष करण्यात येत होते आणि त्याच मालिकेत नागपूर शहरातही ठिकठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले। यामध्ये मोमिनपुरा येथेही जल्लोष करण्यात आला। मात्र परिसरात दुपारी वातावरण इतके गंभीर बनले की पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचून परिस्थिती आटोक्यात आणली। यावेळी आयुक्त अमितेश कुमार यांनी लोकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले। संख्या में यहाँ पे स्पॉट पे इमीडिएटली पहुंची थी। दोनों तरफ के लोगों को शांत किया गया है। परिस्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है, नियंत्रण में, पूरी तरीके से शांत होता है। मैं लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि किसी प्रकार की र्यूमर्स पे विश्वास न करें। पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है, किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक घटना हुई नहीं है और हम होने भी नहीं देंगे। इसमें सभी लोग, दोनों समुदाय के लोग पुलिस के साथ सहकार्य कर रहे हैं। जनता से हमारा आह्वान रहेगा कि वो शांति बनाए रखें। आनंदाच्या वातावरणात अचानक घडलेल्या या घटनेचे कारण अद्यापही समजू शकले नाही। सर्वजण एकमेकांवर आरोप करताना दिसत होते। ऐसी कार्रवाई होगी कि साथ कुछ किया करते का ध्यान रखो। एक बार जब मैं प्रेम से बोला कि शांति से निकल, क्यों उठा रहा है लोगों को? एक एक तू क्यों उठा रहा है भैया? क्या बोला? क्लियर बता रहा हूँ। क्या धंधा करता है? क्या काम करता है? कहाँ पे? ध्यान रखियो, उसका भाई जल गया। और लीडर जी सुनिए, इधर ही खड़ा है। मुझे मालूम है, इसको रुपये नहीं, इनको बता रहा हूँ। अगर मैं एक बार मैं प्रेम से समझाया, अगर घुस जाऊंगा ना ऐसा बोरिया बिस्तर लेके घुसूंगा कि तू ऐसे ऐसे कांपेगा, समझा क्या? अरे बात समझ में, बात समझ में आई कि नहीं? अरे हो कि बोल लो मुझसे, ठीक से बोल, आई कि नहीं?